सो हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल पे। अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नेपाल के बारे में, नेपाल कैसे जाना है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं और क्या नहीं करना है, सबसे ख़ास बात कि क्या नहीं करना है, कैसे स्कैम से आप बच सकते हैं, इसमें मैं बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो स्किप ना करें और देखते रहें। सो हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं और अभी दो बैठ के 12:30 हो रहे हैं। सुबह में यार मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल जाने के लिए कैसे कैसे क्या है। तो डिस्टेंस जो है हर जगह से अलग होता है, जैसे कि आप बहुत सारे बॉर्डर्स बिहार से नज़दीक हैं तो वहाँ से जा सकते हो। मैं जहाँ से गया था, मैं वहाँ की बात करूँगा, मैं रक्सौल बॉर्डर से गया था और उसका डिस्टेंस बीरगंज के आसपास 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर जाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटो मिल जाएगा, रिक्शा मिल जाएगा और घोड़े की सवारी जो होती है ना, जो पहले बहुत आती थी, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट आपसे 30 रुपये लेंगे और आपको बीरगंज छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद बीरगंज से काठमांडू के लिए बस मिलती है और सुमो मिलती है। तो बस का क्या है कि हमेशा नहीं होती है, वो सिर्फ शाम में और या फिर सुबह मिलती है। कॉस्ट तो दोनों का सेम ही है और सुमो जो मिलती है वो दिन भर आपको मिलेगी, इसका कॉस्टिंग होगा 700 नेपाली। 700 नेपाली का मतलब हो गया मान लो 500 इंडियन 500-400 इंडियन। और डिस्टेंस भाई 140 किलोमीटर है, तो जाने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, लगभग 6 घंटे लग जाएंगे आपको, 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि रास्ता बहुत ही ख़राब है। रास्ता मैं जब गया था तो इतना डेंजरस था कि मैं खुद डर गया। वैसे मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगा उस रास्ते के, कैसे कैसे क्लिप्स हैं, तो आप देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रास्ता कैसा है, तो आप देखेंगे इस चीज़ को भी। ट्रांसपोर्टेशन देखिए 3-4 तरह का है, जैसे ट्रेन तो है, तो ट्रेन हर जगह नहीं चलती, नेपाल में ट्रेन नहीं चलती है, कुछ जगह ही है, एक आध जगह जहाँ चलती है, सीतामढ़ी की तरफ चलती है और ज़्यादा दूर भी नहीं जाती, तो आप ट्रेन से भी जा सकते। हाँ, बाई प्लेन आप जा सकते हो, बाई प्लेन आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ घूम सकते हो। पर यार रोड्स का क्या है ना कि अगर आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाओ वहाँ पे, क्योंकि रोड्स बहुत ही ख़राब है और आपको पता ही है कि पहाड़ पर है, तो थोड़ा हैंडलिंग भी बहुत मुश्किल है और बारिश वारिश आने पर स्लिपी भी हो जाता है। तो ड्राइवर लेके आए अगर आप आ रहे हैं, तो खुद से ड्राइव ना करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए हो जाएगा। ये है थामेल का टेम्पल, तो मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ। अच्छा है, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक मंदिर भी है और यहाँ पे छोटा सा एक पार्क भी है, यहाँ पे आके आप बैठ के चिल कर सकते हो। और ख़ास बात ये है कि बहुत ही अच्छे लोकेशन पे, लाइक शायद मैं आपको दिखा पाऊँ ये पहाड़, और इधर भी बहुत सारे हैं और इस पहाड़ के ऊपर झील है। आप झील पे जाना चाहो तो वहाँ बस तो नहीं चलती है, पर आप प्राइवेट टैक्सी लेके जा सकते हो। यहाँ बच्चे भी बहुत आते हैं।
ये एंट्री है। भाई यहाँ इतने सारे शिवलिंग बने हुए, मज़ा ही आ गया देखिए। नहीं चलो भाई, तो मैं बता रहा था कि नेपाल के बारे में। तो नेपाल का क्या है यार कि सबसे पहले बॉर्डर पे जब आप जाओ तो सबसे पहले अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा लो, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाओगे बॉर्डर पे तो अंदर में भी होता है पर आपको रेट्स बहुत ही ख़राब मिलेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप बाहर में ही सब करवा के जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, और अंदर जाएँगे तो भाई मज़े ही मज़े हैं, हर चीज़ के ही मज़े हैं अपने। बहुत सारे जो एडवेंचरस चीज़ होते हैं वो भी आप वहाँ पे बंजी जंपिंग से लेके जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो एंजॉय करने जाएं, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। माउंटेंस को अगर आप पसंद करते हैं तो ये जगह बहुत अच्छी है, आप जा सकते हैं। और होटल्स वोटल्स का क्या है कि आपको रेट्स मतलब 800 इंडियन से लेके उसके ऊपर तक जितना भी चाहो आप मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के होते हैं होटल्स। और खाना पीना यार देखो, खाना पीना तो फास्ट फूड बहुत ही मिलता है, चिकन खा सकते हो आप, मोमोज, बहुत वैरायटीज़ हैं वहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ जाएं। देखो यार ये अपने चॉइस के ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। बहुत सारी मतलब धार्मिक जगह भी है, बहुत सारे एडवेंचरस जगह भी है, और फिर बहुत सारे पब्स हैं आप जाके मज़े कर सकते हैं, डिस्को है, क्लब्स है। क्लब्स का क्या है कि मैक्सिमम क्लब्स फ्री होती हैं, एंट्री फ्री है, पर ड्रिंक्स अगर लोगे आप तो वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली होगा। और कुछ क्लब्स ऐसे भी हैं जो पैसे लेते हैं और उसमें ड्रिंक्स एक दो इंक्लूड होता है, बाकी टाइम ड्यूरेशन का कुछ नहीं है। स्कैम्स की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। स्कैम्स देखो बहुत तरह के स्कैम्स होते हैं, तो जो जो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उस पर बात करूँगा। जैसे लोगों से मैंने बात करा है तो मुझे पता चला कि अगर आप मसाज करवाने जाते हो तो वहाँ पे वो लोग रेट्स बोलेंगे कुछ और बाद में आएंगे कुछ। तो इससे पहले अच्छा है कि सबसे पहले फ़िक्स कर लो कि भैया मैं इतना ही दूँगा, और नेगोशिएशन भी होता है वहाँ तो नेगोशिएट करवा लो। और मसाज भी बहुत तरह के होते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया। दूसरी बात ये कि भाई ड्रिंक्स वगैरह का क्या है ना, ड्रिंक्स आप लेते हो तो वहाँ पे अच्छे दुकान में जाओगे तो सेम प्राइस में मिलेगा, वरना आपको कुछ भी बोल के आपसे ले लेंगे पैसे और आपको देना पड़ेगा, कुछ कर नहीं पाओगे, तो पहले पूछ के लो। तीसरा स्कैम क्या होता है कि भैया वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स होती हैं, आप चाहते हो कि थोड़ा मतलब एंजॉय करने का तो ठीक है आप जा सकते हो, पर पहचान बहुत मुश्किल है कि वो एक्चुअल में गर्ल है या फिर ट्रांस है, कुछ भी कहना मुश्किल होता है। तो आपको पता चले कि कहीं आप लेके जा रहे हो कुछ और अंदर जाके कुछ और होता है तो इससे स्कैम हो जाता है। तो इससे भी बचे, अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा ये है कि अगर आप उनको लेके जा रहे हो तो रेट्स कुछ फिक्स करोगे आप और बाद में वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो ये बोला था ये बोल देते हैं,
फिर ऐसा भी होता है कि वो आ गए और फिर आपने कुछ किया भी नहीं तब तक, वो बोले कि नहीं नहीं हो गया अब पैसे दो मेरे, ये वो दिस दैट, तो ऐसे लूट के वो भाग जाते हैं। या फिर उनकी एक गैंग चलती है, वो अपने गैंग को फ़ोन करेंगे और ऐसा बोलेंगे कि दो पैसे नहीं तो मैं तुम्हें जेल में जेल डलवा दूँगी, मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी, दिस इज़ इलीगल, तो बहुत सारी बातें होती हैं जो बोलेंगे वो, तो इससे भी बच के रहना है। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्कैम है कि भैया आपको बहुत सारे एजेंट्स रोड पे मिलते हैं, लाइक वो बोलेंगे कि मैं आपको सब कुछ ही दिलवा दूँगा, जो भी चाहिए आपको, होटल, खाना पीना, जो भी आपको मस्ती करनी है, बियर बार, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे कि हाँ आओ मेरे साथ, बहुत सस्ते सस्ते रेट्स भी बताएंगे आपको, आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया डील है, पर उसमें ही बहुत बड़ा स्कैम होता है। वो लोग क्या करते हैं ना कि अगर आप उनकी बातों में आ गए, वो बोलेंगे कि दो चार मिनट का यहाँ से रास्ता है, आप चलो, आप साथ में गए तो वो ऐसा करेंगे कि अंदर लेके जाएंगे, सामान वामान आपका जो है साइड करवा देंगे, उसके बाद वो लोग आपसे जितना भी सामान है आपके पास सब कुछ ले लेंगे वो, और आपको देना पड़ेगा, आप दूसरे कंट्री में गए हो तो आपको तो देना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी है, आप मारपीट तो कर नहीं सकते हो, तो आप सोचोगे कि यार कैसे भी यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँ, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत लोगों से मैंने सुना है और बहुत होता भी है, बहुत कॉमन स्कैम है, लोग फंस जाते हैं लोगों की बातों में, लोग भरोसा कर लेते हैं, तो इससे भी आप बच के रहे तो ज़्यादा बेटर है। और वो लोग क्या करते हैं ना कि ऐसी ऐसे डील्स देंगे ना आपको, ऐसे डील्स देंगे कि आप लोग, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही, मतलब ऐसे डील्स अगर कोई दे रहा है ना एकदम बच के रहिए, क्योंकि फंसने वाले हो अगर आप ऐसा करोगे तो, बुरी तरीके से फंसने वाले हो, लाइक पैसे भी लूट लेंगे वो लोग, फ़ोन ले लेंगे, मतलब कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ यार आपके पास होंगी तो सब कुछ ही ले लेंगे आपसे, और आपको जाने आने के भी शायद पैसे ना हो, ऐसा भी हो सकता है, एटीएम वेटीएम सब चेक कर लेंगे, आपका फ़ोन वोन सब कुछ चेक कर लेंगे, ऐसा भी हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना पड़े, घूमने जा रहे हैं, एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो इन्जॉय करो भाई, और इन्जॉय यार इन्जॉय बहुत तरह का होता है, सिर्फ यही इन्जॉय नहीं है, जाके घूमिए फिरिए, खाना खाइए, वहाँ के कल्चर को देखिए, वहाँ के लोगों को देखिए, शॉपिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ कर सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो हो सकता है, इन्फॉर्मेशन तो मैंने बहुत कुछ दे दिया है, हैव ए सेफ जर्नी अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो, और यार अच्छी लगे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिली हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।